अपना परिचय पहले दे दीजिए। मेरा नाम स्वामी आनंद महाराज है, मैं जगतगुरु शंकराचार्य की शिष्य हूँ, मुंबई में निवास करता हूँ। आज प्रेस वार्ता आप किस लिए कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? प्रेस वार्ता भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए कर रहा हूँ और इसीलिए मैं अश्वमेधिया के अयोध्या करा रहा हूँ। राम मंदिर निर्माण जो बाधाएं हैं वर्षों से और देश के राजनीतिक अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राम मंदिर की बात नहीं होती है, तो मैं इसीलिए अश्वमेधिया की 1, 2, 3, 4 दिसंबर कर रहा हूँ कि मेरे यज्ञ के बाद भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण होगा। और अगर यज्ञ के बाद नहीं हुआ तो भारत वर्ष के सभी संत, राष्ट्रवादी संत, नेताओं की चाटुकारिता करने वाले नहीं, सब मिल करके भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे निर्माण, कोई तैयारी है आपकी कराने के बाद में? पूरा देश के संत आ जाएंगे, खाली खड़े होने से निर्माण हो जाए, पूरी तैयारी है। 1,32,00,000 संत खड़े होकर के निर्माण कर देंगे एक सेकंड में राम मंदिर। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ का नागरिक मानेगा। भगवान श्री राम से क्या मतलब है, वो हमारे इष्ट देव हैं। 100 करोड़ हिंदुओं के, आज बताइए लंदन यूके की आबादी 8 करोड़ है, 8 करोड़ का आदमी पूरे विश्व कब्जा कर सकता है, हम 100 करोड़ हिंदू नपुंसक हैं? हम राम का मंदिर बनाएंगे चाहे उसके लिए कई करोड़ कुर्बानियां देना पड़े, उसके लिए तैयार है, लेकिन राम मंदिर का निर्माण अब नहीं रुकेगा। 100 करोड़ हिंदू अब तक क्या कर रहे थे, अब तक क्यों राम मंदिर बन रहा? 100 करोड़ हिंदू अब तक सो रहा था, जो सेकुलरवादी नेता हैं, जो राम के विरोधी हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, सीपीएम, सीपीआई, एडीएमके, डीएमके, तेलुगु देशम, ये सब देश के हिंदुओं को नपुंसक बना दिया। और गांधी ने भीख में मांग के लिए आजादी, इसलिए देश हिंदू नपुंसक हो गया। सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे हम देश की लड़ाई लड़ लेंगे, हर घर के एक व्यक्ति मरेगा तो हर व्यक्ति कुर्बानी याद करेगा और सबका सम्मान जागेगा। गांधी के बाद देश का हिंदुओं का सम्मान मर गया है, इसलिए अब हम लोग देश का संत सम्मान को जगाएगा और राम का मंदिर निर्माण करेगा। बहुत सारे लोग राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, आप लोग में आपस में जो है बंटवारा है, अलग अलग संगठन बने हुए हैं, ऐसे में आप कैसे दावा कर सकते हैं कि राम मंदिर कैसे? जो राम मंदिर बनाने की बात सब राजनीति कर रहे हैं, कोई कह रहा है सोने का मंदिर बनाएंगे, कोई नहीं, सब राजनीति कर रहे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं, वो सब दलाल है, पार्टियों के दलाल है, वो नहीं मंदिर बनाए। भगवान के नाम की रोटी संत खाता है, संत मंदिर बनाएगा, नेता क्यों बनावे? नेता काम राजनीति करना, राष्ट्र चलाना, उसका मंदिर बनाने काम नहीं है। मंदिर बनाने का काम राजनीतिज्ञों का है, राजनीतिक राम मंदिर बनाएगा, राजमंदिर नहीं बनाएगा, संत बनाएगा मंदिर। वो तो मामला विचाराधीन है न्यायालय का, हम लोग नहीं मानते, बताए हम लोग, हम उसमें एक पक्ष नहीं, उसमें 3 पक्ष है, अरे 10 पक्ष हो, हम उसको नहीं मानते। राम को हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, भगवान श्री राम का आदेश स्वयं ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, वो चाहते मंदिर बनाए, और मंदिर नेता नहीं बनाएगा, मंदिर संत बनाएगा, ये संत का काम है। पूरे देश का संत भगवान के नाम को जाप करता है, उनकी पूजा सुबह शाम करता है, उसका उत्तरदायित्व है। और अगर संत भी इसमें नहीं खड़ा होगा तो उसका समूल नष्ट हो जाएगा, संत का भी समूल नष्ट हो जाएगा। जो नेता चाटुकारिता करता है नेताओं का, वो नेता है, वो नेताओं को साधु संतों को बेचता है, उनका विक्रय करता है, उनका अपमान करता है बुला बुला करके, और उनका उनका शोषण करता है। ये बताइए भाजपा सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, उनका प्रथम मुद्दा यह था कि राम, अगर हम सत्ता में आते हैं तो राम मंदिर का निर्माण करेंगे जी। तो 4 साल अगर बीत रहा है तो अभी तक उनका क्या कारण था कि वो बना नहीं पाए? अब जब 2019 का चुनाव आ रहा है तब ये ज़्यादा राम के मंदिर का ज़्यादा विषय उठ रहा है। पहली बात ये कि हम लोग राजनीति से कोई संबंध नहीं रखते, किसी पार्टी से हम लोग किसी फॉलोअर नहीं है कोई पार्टी के। दूसरी बात, हमारे में कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहा न टिकट मांग रहा है। एक बात, जो संत है, जो ईश्वर प्रेमी है, उसको चुनाव नहीं लड़ना है। जो दलाल हैं, जिनको लिपस्टिक और कागज बेचना हो चुनाव लड़ेंगे, वो कर सकते, हम नहीं कर सकते। इसलिए दूसरी बात, हमारा चुनाव से मतलब नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी का हम लोग संत समाज 4.5 साल तक प्रतीक्षा किया, अब हम देखने को नहीं बनाएंगे। एक बार हम लोग संत समाज मोदी के साथ गोष्ठी करेगा, अगर वो बनाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बनाएंगे संत समाज बनाएगा। एक बार हम प्रधानमंत्री अच्छे व्यक्ति हैं, उनको एक बार मौका देना चाहते हैं। मतलब अभी प्रधानमंत्री से आशा है कि बनवाएंगे? बिल्कुल हो सकता है, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के सोमनाथ मंदिर बनवा सकते हैं ज्योतिर्लिंग का, तो मोदी भी राम मंदिर बनवा सकते हैं, राम मंदिर नहीं काशी भी बनवा सकते, मथुरा भी बना सकते, उनमें अद्वैत शक्ति है। उस व्यक्ति
चार साल में देश इतना पिछड़ा हुआ था, भुखमरी कगार पे था देश, सारे कांग्रेस वाले चाट गए थे देश को, देश को उन्होंने अभी डेवलप किया है। मोदी ने पूरे विश्व में जो हिंदू और हिंदी की जो सम्मान दिलाया किसी प्रधानमंत्री नहीं दिला रहा। आपके स्वामी जी आपकी बातों से हम सहमत नहीं है, आप अपने बात से भटक गए। अभी आप मोदी जी कितनी बुराई कर रहे थे, कहां बुराई उनके कार्यों से आप सहमत हो गए? अभी आप नहीं बुराई कहां किया, नहीं आप ध्यान सुनिए दो बात, आप पत्रकार हैं, मोदी जी व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है, विकास किया उन्होंने अब तक के, आप जो कह रहे हैं बाप ने भारत भर चमक रहा है। आप जितना हाईवे देखिए, जितना गरीबों के 30 करोड़ लोगों के अकाउंट खुल गया पूरे देश में, गांव में किसान सब मजा कर रहा, झूठ बोलता है, सब किसान मजा कर रहे हैं, कोई किसान ऐसा नहीं जो पूरी सब्जी रोज नहीं खा रहा, गेहूं की रोटी नहीं खा रहा। हमको मालूम है 47-50 में लोग मोटा अनाज खाते थे, लोग उर्दी चरा खाते थे, आज कोई किसान ऐसा नहीं जो अच्छा सच्चा भोजन नहीं कर रहा है, झूठ बोलता है। वो लोग जो किसानों के नेता हैं वो किसानों के नाम की रोटी खाते हैं। ये बताइए, अभी आपने कहा कि कांग्रेस ने इस मंदिर के विरोध में है, राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था। राम मंदिर ताला खुलवाए नहीं थे, मेरी बात सुनिए, उनको उस समय ही उनको उन्होंने एक गलती की थी, साहबान वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर को निरस्त किया था, इसलिए हिंदू पूरा देश नाराज था, हिंदुओं को खुश करने के लिए उन्होंने ताला खुलवा दिया था अपने स्वार्थ के लिए। ये जो नेहरू परिवार है ये कोई कांग्रेस का कल्चर कांग्रेस को नहीं मानने वाले लोग हैं, नेहरू के जो दादा थे मुसलमान थे। एक आखिरी सवाल पूछेंगे उसके बाद जी बताओ, अभी तक आपने ये मुद्दा नहीं उठाया था, 2019 के लोकसभा चुनाव एकदम करीब है, बस ये लास्ट महीना हमने उस मैंने कहा चुनाव को आप इस मुद्दे को लेकर है, क्या इसके कोई राजनीतिक लाभ आप लेना? कोई राजनीतिक लाभ नहीं, हम लोग राजनीतिक है ही नहीं। नहीं माना यही जाएगा कि आयन चुनाव नहीं, हम लोग राजनीति कोई लाभ मिलेगा ना, राजनीति हम लोग हैं, हमारे स्वामी जी बैठे हैं, आप पूछे सर कोई राजनीति में है, कोई नहीं, हम राजनीति के लाभ नहीं चाहते हैं, हम लोग सिर्फ देश का भगवान श्री राम का मंदिर बनाना चाहते हैं।